हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम तक राजस्थान डीआरटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान में कैसा रहने वाला है मौसम और किन किन जिलों में होने वाली है बारिश की गतिविधियाँ। साथ ही बात करेंगे अगले 3 दिनों के दौरान राजस्थान की किन किन इलाकों में होने वाली है बारिश की गतिविधियाँ, तो किन किन इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा, ये संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने चैनल मौसम तक राजस्थान डीआरटी को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो वर्तमान में देखा जाए तो संपूर्ण भारत में किस प्रकार के मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। मौसमी सिस्टमों की बात करें तो एक लो प्रेशर एरिया जो बंगाल की खाड़ी के अंदर विकसित हुआ था, वो वर्तमान में मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी भाग के आसपास बना हुआ है। इसके प्रभाव से आने वाले 24 घंटों के अंदर कई इलाकों में हल्की से तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। ये बारिश की गतिविधियां राजस्थान के पूर्वी दक्षिणी इलाकों के आसपास कहीं की खंड बारिश के रूप में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी हो सकती हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात के कई इलाकों में इस सिस्टम के प्रभाव से भारी बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं। राजस्थान के पश्चिमी जिलों की बात करें तो जालौर और बाड़मेर के सटे इलाकों के आसपास एक स्थानीय मौसमी प्रणाली इन सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है, जिसके प्रभाव से कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी आज राजस्थान की बाड़मेर, जालौर, सांसौर, बालोतरा के आसपास से लगाकर पाली, राजसमंद, सिरोही, जो पाकिस्तान से सटे बॉर्डर के इलाकों की बात करें, विशेषतः बाड़मेर के जो पाकिस्तान से सटे इलाकों में और गुजरात के कई इलाकों में इस सिस्टम के प्रभाव से खंड बारिश की गतिविधियां संभावित हैं। बाकी देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं राजस्थान के पूर्वी इलाकों तक संभावित हैं, क्योंकि लगातार इन क्षेत्रों तक हवाएं बढ़ रही हैं। आगे हवाओं की बात करें तो स्थानीय हवाएं लगातार शुष्क के रूप में आगे बढ़ रही हैं और वर्तमान में इन क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में नमी मौजूद नहीं होने के कारण कोई विशेष बारिश की गतिविधियां संभावित नहीं है। आने वाले 24 घंटों के अंदर देखा जाए तो राजस्थान के किन किन इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा। विशेषतः राजस्थान के पश्चिमी जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर के कुछ इलाकों में आने वाले 24 घंटों के अंदर मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा। बाकी संपूर्ण राजस्थान के अंदर की बात करें तो कहीं कहीं खंड बारिश की गतिविधियां, तो कुछ इलाकों में तेज बारिश की गतिविधियां, तो कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं। विशेषतः बाड़मेर, जोधपुर से लगाकर बीकानेर के पूर्वी इलाकों में, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नागौर से लगाकर जालौर, पाली, सांसौर, बालोतरा के आसपास से लगाकर कई इलाकों में हल्की से तेज बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में देखने को मिलेगी। पाली, सिरोही, राजसमंद के आसपास से लगाकर नागौर, अजमेर के कई इलाकों की बात करें तो इन क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। ये लो प्रेशर एरिया आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर मध्य भारत के आसपास रहने की संभावना है, क्योंकि पश्चिमी दिशा से आने वाली शुष्क हवाओं का प्रभाव लगातार राजस्थान के पश्चिमी इलाकों पर बना हुआ है, जिसके प्रभाव से ये कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि हवाएं यहाँ तक नम पहुँच रही हैं, परंतु पश्चिमी हवाओं का जोर काफ़ी जोरदार बना हुआ है, जिसके प्रभाव से इस हवाएं को दूर न हटा पा रही हैं। इसके लिए एक मजबूत सिस्टम की जरूरत होगी जो 12 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में बनने वाली डीप डिप्रेशन के रूप में बन सकता है, जिसके प्रभाव से आने वाले समय में ये सिस्टम इन शुष्क हवाओं को आगे हटा सकता है और नम हवाओं का प्रभाव राजस्थान के पश्चिमी जिलों से लगाकर पाकिस्तान के कई इलाकों तक बढ़ता हुआ नजर आए, तब राजस्थान के अंदर आपको मध्यम से तेज तो कहीं कहीं इलाकों में खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। आज आने वाले 24 घंटों की बात करें तो राजस्थान के पूर्वी दक्षिणी इलाकों के आसपास के कई इलाकों में मध्यम से तेज तो एक दो इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां कोटा संभाग, उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में संभावित हैं। बाकी जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर और पाली संभाग के आसपास के इलाकों में मध्यम से तेज तो कहीं कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में देखने को मिल सकती हैं। वर्तमान में देखा जाए तो संपूर्ण भारत में किस प्रकार की सैटेलाइट इमेज बनी हुई है। वर्तमान में सैटेलाइट इमेज की बात करें तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से स्लोपर से एरिया के प्रभाव से मध्य भारत के आसपास के कई इलाकों में घने बादल नजर आ रहे और मानसून ट्रफ के पूर्वी सिरा उत्तर होने के कारण वर्तमान में पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भी मध्यम से तेज तो कहीं कहीं इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। बाकी उत्तरी हिमालय क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान में कोई विशेष WD सक्रिय नहीं है, जिसके प्रभाव से कोई विशेष बारिश की गतिविधियां संभावित नहीं है और इन क्षेत्रों में पश्चिमी हवाओं का प्रभाव देखने को मिल रहा है। आने वाले 24 से 48 घंटों की बात करें तो 9 दिसंबर शाम को एक सक्रिय WD सक्रिय होने की संभावना है, जिसके प्रभाव से 10 सितंबर के आसपास राजस्थान के उत्तरी इलाकों से लगाकर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगाकर लद्दाख व जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। ये लो प्रेशर एरिया धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से राजस्थान के पूर्वी, दक्षिणी और मध्य राजस्थान तक आपको आने वाले 24 घंटों के अंदर खंड बारिश की गतिविधियां, तो कुछ इलाकों में तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं।
वर्तमान में बात करें तो राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्के बादल नजर आ रहे हैं, परंतु इन बादलों से कोई विशेष बारिश की योजना संभावित नहीं है। आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो आज राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के आसपास के कई इलाकों में भारी बारिश की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। बाकी देखा जाए बीकानेर के पूर्वी इलाकों, बीकानेर संभाग के पूर्वी इलाके, अजमेर, जोधपुर, पाली संभाग के कुछ इलाकों में हल्की से तेज तो कुछ इलाकों में खंड बारिश की घटनाएं देखने को मिलेगी। और इन क्षेत्रों पर बने सर्कुलेशन के प्रभाव से आज राजस्थान के पश्चिमी जिले बाड़मेर के आसपास के कुछ इलाकों में हल्की खंड बारिश की घटनाएं संभावित हैं। कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़, सिलागाकर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के आसपास के इलाकों में इलाकों में मध्यम से तेज तो कहीं कहीं इलाकों में मूसलाधार बारिश की घटनाएं देखने को मिलेगी। जोधपुर, पाली, अजमेर, सिलागाकर के आसपास के इलाकों में हल्की से तेज तो कुछ इलाकों में खंड बारिश की घटनाएं रहने वाली हैं। सूरत, झुंझुनू, सीकर के आसपास के इलाकों में भी आने वाले 24 घंटों के अंदर कहीं कहीं खंड बारिश की घटनाएं तो एक दो इलाकों में तेज बारिश की घटनाएं संभावित हैं। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सिलागाकर की बात करें सवाई माधोपुर के आसपास के इलाकों में हल्की से तेज बारिश की घटनाएं देखने को मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर, जो बीकानेर के आसपास के इलाकों से लगाकर इन क्षेत्र में मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा, कोई विशेष बारिश की घटनाएं संभावित नहीं है। बाड़मेर से सटे जैसलमेर के आसपास के इलाकों में हल्के बादलों का निर्माण हो सकता है और एक दो इलाकों में खंड बारिश की घटनाएं संभावित हैं, परंतु ज्यादातर इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा। बीकानेर से लगाकर श्रीगंगानगर के इलाकों में और हनुमानगढ़ के ज्यादातर इलाकों में भी मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा। आने वाले 24 से 48 घंटों के बाद एक सक्रिय WD आने की संभावना है, जिसके प्रभाव से बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर के कुछ इलाकों में आपको हल्की से तेज बारिश की घटनाएं संभावित हैं। उससे पहले राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा और हल्के बादलों की आवाजाही रह सकती है। तो दोस्तों, मौसम तक राजस्थान DRT चैनल पर अब के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।